हम लोग खेती किसानी थोड़ा बहुत जो करते हैं वो कर नहीं पाते हैं हमारा पशुओं के कारण। पटहरा रंगनाथ दुबे अ किसान आदमी और हमें धंधा कोई नहीं है, खेती भरी है, ये पूरी खा रहे हैं। वो भी चल लेता, यही मेरे तकलीफ की मवेशी का व्यवस्था किया जाए। कितना असर पड़ा है खेती में? बहुत असर पड़ा। अब गाड़ी चाहे तो बागी तो कितनी खेती दिखा, नीचे पानी है और ऊपर खेत। हाँ, बहुत नीक बता है। तो नीचे पानी नहीं आ रहा हमारे खेत। अपना जजना चालन है तो बहुत नीक अजाबलाल चालन है। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा जिले के तराई अंचल के पटहरा नामक गांव में। कहते हैं अगर हिंदुस्तान को करीब से देखना है, भारत को निकट से देखना है, तो भारत के गांवों को देखना चाहिए। हमारे साथ यहां पर 3 वरिष्ठ जन मौजूद हैं जो खेती बाड़ी और गांव में रहकर ही अपने जीवन यापन के व्यवसाय का, जीवन यापन के धंधों का, पशुपालन के माध्यम से और खेती के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। इनसे गाँव की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, कोरोना की वजह से जीवन में क्या हानिकारक असर पड़े हैं, और साथ ही साथ इस वर्ष की फसल किस तरीके से है, मौसम कैसा चल रहा है, इन सारे मुद्दों की बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आप तीनों लोगों का द खबरदार न्यूज पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। हम पटहरा के अजायब लाल सेन, हमारा नाम है जी। मैं यहाँ का पुराना पुस्तैनी निवासी हूँ जी। और यहाँ पर साहब आवारा पशुओं का सबसे बड़ा वो है जी, समस्या है जी। हम लोग खेती किसानी थोड़ा बहुत जो करते हैं वो कर नहीं पाते हैं आवारा पशुओं के कारण। उनके समय जो बोला, और बारिश भी इस साल बहुत कम हो रही है, खेत वोत नहीं लग पा रहे हैं। धान उनका रोपा हम लोग बेहन डाले हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं। एक तो पशुओं का डर है और दूसरा इस मौसम का। और आपका भी हम परिचय जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय बताएं थोड़ा सा। पटहरा रंगनाथ दुबे जी, अ किसान आदमी जी, और हमें धंधा कोई नहीं है, खेती भरी है जी। हाँ, मुखिया जी के नाम से आप जाने जाते हैं, इस नाम के पीछे का रहस्य क्या है? मुखिया नाम कैसे पड़ा? ये पुरखा रहे हैं जी, पुरखा रहे हैं, पुरखा से चलाया जी। अभी भी आपको मुखिया जी बोलते हैं जी। आपका भी परिचय जानना चाहेंगे थोड़ा सा। मैं पटहरा का रफीक खान हूँ जी, और खेती थोड़ा बहुत करता हूँ जी, लेकिन गोरू के मारा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सब बोया हूँ, सब चल लेते हैं, उसको बांध के रखता हूँ, रूंद बांध के वो भी चल लेता है। यही मेरे तकलीफ की मवेशी का व्यवस्था किया जाए जी। तो एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप पशुपालन भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, बारिश का मौसम तो इस साल जो है तो बरसात तो हो नहीं रही, तो कितना असर पड़ा है खेती में? बहुत असर पड़ा, कुल नहीं है जी। हाँ, कुल नहीं है, कुछ नहीं, कोई फसल नहीं है जी। हाँ? कोई फसल नहीं है यहाँ भी, जो थोड़ा बहुत धान। अब गाड़ी चाहे तो बागी तो कितनी खेती दिखा, खेत तो पूरे तरीके से खाली है। हाँ, अधिक नहीं, अपना से बात कही था, अपना अब भाग रहे। हमारे यहाँ नहर का जो निर्माण हुआ वो भी इतना पुअर स्थिति में है कि हम लोग पानी का उपयोग उसका नहीं कर पा रहे हैं जी। नीचे पानी है और ऊपर खेत है। हाँ, बहुत नीक बता है। तो नीचे पानी नहीं आ रहा हमारे खेत में, नहर हमारे खेत से पानी बह के दूसरे गांव में जा रहा है, उसका लाभ हम नहीं पा रहे हैं उस पानी का। और नहर आपके ही गांव से जा रही है? नहर हमारी जमीन से जा रही है, हमारी जमीन से नहर जा रही है। अब पानी, खेत हमारा नीचे है, वो पानी नीचे है, खेत हमारा ऊंचे है जी। बोंगी जो लगी है, जो पाइप दिया गया है पानी के लिए, वो टच ही नहीं होती है पानी से जी। पानी कैसे खेत में आएगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या आप बता रहे हैं कि जमीन हमारी, गांव हमारा, पानी हमारे जमीन से जा रहा है। हाँ। लेकिन हम ही को खेती करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है साहब। या जो अपना जजना चालन है तो बहुत नीचे जजना अजाबलाल चालन है, या ठीक बोंगी सब इतना ऊंचे बोंगी। हाँ, पानी ऊंचे, और बोंगी पानी नहीं जाता है।